है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SBG स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से आपके जो क्वेश्चंस है उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, और अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री में कुछ अच्छा स्कोर करना तो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे खत्म करें, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप पूरी केमिस्ट्री को कैसे खत्म करें और कितने क्वेश्चंस कैसे कैसे करेंगे आप, और कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको सबसे पहले करना है और कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आज की इस वीडियो में पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, इन चैप्टर्स को बताने से पहले बता देता हूं कि सारे आपको अगर हो पाए तो सारे जो आपके इंटेक्स जो क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स है उनको सारे को करना है। आपको एनसीईआरटी को तो एक बार रीड करना ही कर रहा है। अगर आप केमिस्ट्री में स्कोर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी से आपका मैक्सिमम पेपर आता है। उसके बावजूद अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको केमिस्ट्री में करना है स्कोर, तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन। अब हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन में कौन कौन से जो आपके टॉपिक्स है वो इंपोर्टेंट है वो देखिए। तो सबसे पहले IUPAC नेमिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन, एक क्वेश्चन आपको IUPAC नेमिंग पे जरूर मिलेगा। उसके बाद SN1 और SN2 रिएक्शन पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद देखिए सेंडमियर रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन में से एक रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन दिस रिएक्शन, और उसकी केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको बतानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन 100% बोल रहा हूँ इन तीनों रिएक्शन में से आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद DDT का स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से DDT का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा एनालाइज करके मैंने निकाले हैं, और प्रीवियस ईयर का देख के सैंपल पेपर देखने के बाद मैंने ये बता रहा हूं। तो इन चीजों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, और हो सके तो इन सारे क्वेश्चंस को करना। उसके बाद एक कन्वर्जन, देखो कन्वर्जन के मैंने निकाले हैं बहुत सारे। तो कन्वर्जन में आपको देखो जैसे आपको प्रोपेन टू प्रोपीन कन्वर्ट करना है, या आपको बेंजीन टू बायोफिनाइल कन्वर्ट करना है, तो ऐसा कन्वर्जन इसमें आपको मिल सकता है जो हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन के रिलेटेड है। तो जो कन्वर्जन है, एक क्वेश्चन आपका कन्वर्जन पे गारंटेड आपको हर बार मिलेगा, हर बार, ठीक है। तो ये था हमारा हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन से। उसके बाद है हमारे पास अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से। अब इससे क्या आ सकता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से आपका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं नेमिंग रिएक्शन। फिर दोबारा से नेमिंग रिएक्शन दे दी, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन कई आएगी आपके एग्जाम में। तो नेमिंग रिएक्शन में रीमन टीमन रिएक्शन, कोलवेज एंड फ्रेडर क्राफ्ट रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन में से इसमें से जरूर इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को करना है, ठीक है। क्या है, रीमन टीमन रिएक्शन, कोलवेज और फ्रेडर क्राफ्ट रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन में से एक रिएक्शन आपको जरूर मिलेगी। दो रिएक्शन मैंने बता दिया, इनमें से दो रिएक्शन आपको जरूर मिलने वाली है। उसके बाद देखिए एक परोक्साइड इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है, या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये वाला जो टॉपिक है आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक कन्वर्जन, कन्वर्जन का क्वेश्चन जिसे मैंने कन्वर्जन का लिखा हुआ है, तो कन्वर्जन का अगर हम देखें जैसे इथेनॉल टू इथेनी, ठीक है, इथेनॉल से इथेन, इथेन के अंदर आप कन्वर्ट कैसे करोगे, या इथेन टू इथेनॉल आप कन्वर्ट कैसे करोगे, तो ये सारे कन्वर्जन आपके आ सकते हैं। कन्वर्जन आपको कम से कम 2 से 3 कन्वर्जन आपको मिलेंगे, और 2 से 3 आपको नेमिंग रिएक्शन मिलेंगे, ठीक है। उसके बावजूद आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको गारंटेड है 100%, ये कन्वर्जन का और ये क्वेश्चन, ये दोनों गारंटेड है, और एक नेमिंग रिएक्शन यहाँ से गारंटेड है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन दिया होगा ए, आपको कोई प्रोडक्ट दिया होगा, उससे आपको SN+HCl से रिएक्शन कराई बी बनेगा, बी से अगर रिएक्शन कराएंगे किसी और प्रोडक्ट से तो सी बनेगा, सी की रिएक्शन कराएंगे किसी और प्रोडक्ट से तो डी बनेगा। तो ये देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, उसमें पूछा होगा फाइंड ए बी सी, आपसे पूछा होगा। अब आपको ए बी सी डी आपको निकालना, एक क्वेश्चन गारंटेड बोल रहा हूँ यहाँ से मिलेगा। अभी तक दो, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन इस कन्वर्जन से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक इसके कन्वर्जन, और एक ये, अभी तक 5 क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। 5 क्वेश्चंस यहाँ से पक्के ही पक्के 99.9 चांसेस है कि आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान से सुनिए, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सा क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 5 चीज़ें मैंने लिखी हुई है, 5 चीज़ों में से कौन कौन से आपके आएगा। सबसे पहला टेस्ट, गारंटेड 100% ये आपका आएगा टेस्ट में, आइडोफॉर्म या टॉलरेंस रीजन, आपसे दो आपको वो दे देगा, आपको दे दिया जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था इथेनॉल और फिनॉल में आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है या डिस्टिंग्विश करना है दोनों को, तो कौन से टेस्ट आप करोगे, कैसे करोगे, तो आप
देखोगे कि या टोलन फॉर्म या तो आइडोफॉर्म या टोलन जैसा आप जब उसमें लगाओगे तो किसी एक से वहाँ पे वो डिस्टिंग्यूज हो जाएंगे। तो आपको डिस्टिंग्यूज देने के दो प्रोडक्ट दिए जाएंगे, एक मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इथेनॉल दे दिया, एक फिनॉल दे दिया, इन दोनों में से आप इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इनकी वजह से, इनकी मदद से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गारंटेड 99.9% आपका आएगा। उसके बाद सिनाजार और रेसनमोंड या क्लेमसन रिएक्शन, एक रिएक्शन इनमें से आएगा, एक इसमें से पक्का आएगा, और इसके बाद एक आएगा तुम्हारा सिनाजारो रेसनमोंड या रिएक्शन से, इन तीनों में से एक जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एक क्वेश्चन इस पे आपको पक्का मिलेगा, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पे आपको मिल सकता है, इसके ज्यादा चांसेस नहीं है बट मिलने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पे लगा लीजिए 2-3 स्टार, क्योंकि आपसे कंपैरिजन जरूर पूछेगा, आपको 2-3 प्रोडक्ट दे दिए जाएंगे, उससे पूछेगा कि इनका एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ जो निकालिए, कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको बोल देगा, वहां से आपको निकालने होंगे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द कंपाउंड, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड कैसे मिलेगा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड देखिए इसमें बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। एक दे दिया होगा कि आपको दिया हुआ है ए मॉलिकुलर फॉर्मूला इज गिवन टू C6H5OH दिया हुआ है, उसमें क्या है, उसमें हमने ये मिलाया तो ये प्रोडक्ट बना, ये मिलाया तो ये प्रोडक्ट बना, और आखिरी में ये टेस्ट देगा, ये टेस्ट देगा, तो बताइए ABCD क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन था इसमें डायरेक्टली पूछ गया, इसमें आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला देगा C6H5OH दे दिया, जैसे कि उसमें से आपके पास मिलाया तो ये बन गया, ये मिलाया तो ये बन गया, तो आपको प्रोडक्ट बताने हैं, तो एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलेगा, ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर से चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास एमाइन चैप्टर, जो एमाइंस में वो क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए तीन चीज़ों पे मैंने स्टार लगाया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मान के सकते हो कि 99.9% चांसेस है उनके। तो सबसे पहले हमारे पास है कपलिंग रिएक्शन एंड गार्बल थैलेमाइड सिंथेटिक। तो ये जो है गार्बल थैलेमाइड सिंथेटिक, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये गारंटेड है आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 degree, 2 degree and 3 degree एमाइंस, कई बार पूछ लेता है कि आप इन तीनों के बीच में 1 degree, 2 degree, 3 degree इनके बीच में डिस्टिंग्विश कीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉफमैन आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डाइजेशन रिएक्शन, ये आप कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए। अब तो एमाइन से यही चार टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला था, तीन जो ऊपर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार छोड़ सकते हो, लेकिन इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। उसके बाद आते हैं 14 क्वेश्चन है जो कि बायोमोलिक्यूल्स, बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ जाते हैं, लेकिन इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस है बायो, आपकी जो बायोमोलिक्यूल्स है इसमें जितने भी बेसिक डेफिनेशंस है वो आप सारी इधर पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन पे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद बात आती है बेसिक एंड एसिडिक एमाइंस, ये चीज़ आपके लिए मैं, आप बोल लो लिख लो बस, अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक एंड एसिडिक एमाइंस, इन दोनों को आपको बताना होगा कि क्या होता है बेसिक एमाइंस एंड क्या होता है एसिडिक एमाइंस। और एक बात बता दूँ, अगर आप चाहते हो ऐसे क्वेश्चंस मैं खुद कराऊँ तो उनकी वीडियो की लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट होगी जो कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिकल एजुकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें मैंने कराए हैं, क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन उनका कराया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाइए उनको जाकर के देखिए, और उसके बाद देखिए पहले इसको देख के जाइए, उसके बाद देखिए इसमें क्या है बेसिक एंड एसिडिक एमाइंस क्या होते हैं, उसके बाद देखिए ग्लूकोसिडिक लिंकेज एंड विटामिन्स, तो ये लिंकेज के बारे में आपको पता होना चाहिए और विटामिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस और क्या होता है ये एक बार आप देख लेना। तो पहले तीन फिर इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल देता हूँ, पहले तीन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लिंकेज पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 लिंकेज और होते हैं, लिंकेज को पढ़ के जाना, और लिंकेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपको लिंकेज पे जरूर मिलेगा। तो उसके बाद चलते हैं पॉलीमर पे, देखिए पॉलीमर बहुत अच्छा आपका चैप्टर है जिससे आप स्कोर कर सकते हो, पॉलीमर कैसा चैप्टर है जिससे आप स्कोर कर सकते हो। तो इसमें देखिए आपको कुछ डेफिनेशन से पता होना चाहिए, जैसे होमोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, इलास्टोमर्स क्या होता है। सबसे जो मेन है होमोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर क्या होता है, ठीक है। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर क्या होता है इनके डेफिनेशन रख लेना बिल्कुल, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये लिख लो, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद देखिए एवरी पॉलीमर स्ट्रक्चर एंड मोनोमर, जो पॉलीमर आपका होता है उसका मोनोमर आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, मैं बता देता हूँ आपका बहुत बिल्कुल सटीक तरीके से आएगा, एक आपको दे दिया जाएगा आपका जो कि आपका जो पॉलीमर है उसका पूछेगा इसका मोनोमर क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया मोनोमर इसे पूछेगा, जैसे ब्यूनाइन हो गया, ब्यूनाइस हो गया, जो बड़े बड़े आपके अच्छे अच्छे वो है पॉलीमर्स हैं उनको याद करके जाना है।
ठीक है। उसके बाद आया थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है या इन दोनों की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है थर्मोप्लास्टिक एंड क्या होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग जो पॉलीमर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ ईथर। क्या है? मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑफ किसका? ईथर का। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा आपको हर एग्जाम में मिलेगा। केमिस्ट्री का जो एग्जाम होता है फ्री रेडिकल रिएक्शंस का जो आपका क्वेश्चन होता है वो हर एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा पॉलीमर। उसके बाद एक चैप्टर और रह जाता है जिससे आप आराम से स्कोर कर सकते हो, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसको आप पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, उसके बावजूद अगर आपको लगे कि आप क्या करें, कुछ टॉपिक्स मैं बता देता हूं। फूड प्रिजर्वेशन क्या है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ लेना। फूड प्रिजर्वेशन एंड डिटर्जेंट के बारे में बिल्कुल पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इन्हीं दो जो टॉपिक है इन पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बावजूद एक आपको ट्रैंक्विलाइजर एंड एंटीएसिड और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पे आपको मिल सकता है, एंड एक क्वेश्चन आपको वैल्यू बेस्ड पे मिलेगा। एक क्वेश्चन हर बार आता है केमिस्ट्री में वैल्यू बेस्ड का, और वो किस पे आता है? वो आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको पढ़ने के बाद मेरे, कुछ ऐसे आपको ड्रग्स पूछा जाएगा कि उसने ये लिया और ठीक हो गया, ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो ड्रग ऐसा था, वो ड्रग का नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। वैल्यू बेस्ड में भी आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन है आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से आपको करने चाहिए, जो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना, तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट पर जाइए, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपसे कोई पैसे मांगे नोट्स वगैरह के, तो पैसे मत देना, मेरी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं देना होगा, कुछ भी नहीं देना होगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बावजूद अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।